अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान आकाश है। ये आज की इंट्रोडक्शन क्लास है अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल मार्केट्स। सबसे पहले 5 से 10 मिनट में आप लोगों को ये गाइड करूंगा कि आप लोग इस कोर्स में क्या सीखेंगे, किस तरह सीखेंगे, इस कोर्स की क्या अहमियत है, और आप इसको सीखने के बाद किस किस स्टॉक एक्सचेंज में या किस किस इंटरनेशनल मार्केट्स में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो रिसेंटली हम लोगों ने लाइव ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की थी। इसके अंदर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इशू नज़र आया। ओवरसीज जो लोग हमें ज्वाइन करते हैं उन लोगों, इधर दिन होता है तो उधर रात होती है, इधर रात होती है तो उधर दिन होता है। जॉब की टाइमिंग्स के इशू की वजह से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि रिकॉर्डेड क्लासेस दीजिए। तो मुझे भी यही बेहतर लगा। जैसा कि आप लोग देखें, रिसेंट क्लास जो आप लोगों ने अटेंड की, तो पहले 1 घंटा मैंने आप लोगों को गाइड किया, और उसके बाद मैंने कहा जी आप लोग कैसे नर्सिंग कर सकते हैं। इसी तरह अब ये क्लास का मजीद आप लोगों को फायदा क्या होगा, इस क्लास लेने का फायदा आप लोगों को ये होगा कि एक तो ये क्लास बहुत डिटेल चलेगी। लास्ट क्लास जो 1 घंटे की थी, मैं चीजें थोड़ी समराइज करने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसमें इन डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। और मैं चाहता भी हूं कि आप लोग इसे तसल्ली से सुने। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के बाद पूरी जिंदगी आप लोगों को कभी स्टॉक एक्सचेंज का कोई कोर्स या ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि स्टॉक एक्सचेंज में हमने काम कैसे करना है, एज एन इन्वेस्टर या एज एन कंसल्टेंट या आप पोर्टफोलियो मैनेजर बनना चाहते हैं। ये तीनों चीजें आपको हमारे इस आज की क्लास में और कोर्स में नजर आएंगी। उसके बाद इसमें आप लोग सीख जाएंगे कि एक स्टॉक एक्सचेंज में या इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में काम करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, जिसको हम फॉलो करते हुए उनमें काम करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सबसे पहले बात करें, जो कि हमारी पाकिस्तान की है, तो अगर तो आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप और काम करना चाहते हैं अपने पैसे लगाकर, तो आप लोगों को एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है सबसे पहले। वो भी हम लोगों की ब्रांच आपको गाइड करेगी, हमारी अकाउंट्स टीम आपको गाइड करेगी आपका अकाउंट कैसे ओपन होगा। अगर उसे मजीद आगे देखें तो किस तरह एक शेयर को बाय करना या सेल करना है, वो इस कोर्स के अंदर आप सारा सीखेंगे। एक कंपनी के अकाउंट्स को कैसे रीड किया जाता है, फिर ग्राफ्स की मदद से हम कैसे एक शेयर को प्रिडिक्ट करते हैं ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, और उसके बाद हम लोगों का एक स्पेशल इंडिकेटर भी है जो हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन इंडिकेटर है, उसकी भी सारी सेंस आप लोगों को दी जाएगी कि उसको यूज कैसे करना। तो इंशाल्लाह कोर्स तो ऐसे होना जा रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत मुझे देखने को मिलता है कि उस्मान भाई, क्या इसके लिए कोई स्टडी जरूरी है स्टॉक एक्सचेंजेस में काम करने के लिए? बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो फाइनेंस वाले लेंगे उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, जो फाइनेंस की स्टडी नहीं रखते उनको थोड़ा कम फायदा होगा, और जो स्टडी बिल्कुल भी नहीं रखते उनको भी इतनी हावलों होगी, इंशाल्लाह वो इधर से अर्निंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने तकरीबन 45 मिनट से 1 घंटे में खत्म कर दिया था, आज शायद इससे भी लंबा चलेगा। ये इंट्रोडक्शन होगा इसके अंदर, और आप लोगों को इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये एक डेमो क्लास भी इसको कंसिडर किया जाएगा। तो बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँगा। कोई मुझे नहीं लगता ऐसा क्वेश्चन रहेगा आप लोगों की तरफ से कि कोई क्वेश्चन आप ऐसा रेज कर सकें कि सर ये रह गया। अगर फिर भी रह जाए, मेरा व्हाट्सएप नंबर 0345-7427932, आपने उस पर व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज कर देना या वॉइस नोट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा विद इन 24 आवर्स। काइंडली कॉल करने से अवॉइड करें, मीटिंग्स में अक्सर बैठा होता हूँ या क्लास ऐसे ही जब ये कंडक्ट कर रहा हूँ तो फोन नहीं ले सकता उस वक्त, इसके लिए माजरत है। तो अब मैं आपसे स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, गाइड करूंगा अपने बारे में, जिसकी हाउस की ब्रांच है हमारे पास उसके बारे में, और हम लोग क्या इस कोर्स के अंदर सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। चलिए जी, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ जो कि इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी। अच्छा, ये सारा कुछ देखने के बाद, ये जो वीडियो होगी उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन हो तो मैंने अपना नंबर दे दिया, उस पर आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारी इधर से होती है क्लास स्टार्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह के नाम से हमेशा स्टार्ट करें।
सब तरीफें अल्लाह के लिए ही हैं। अल्लाह की मेहरबानी, उन्होंने हमें इतना काबिल किया कि हम लोगों को सिखाना स्टार्ट करें। और ये पहला ऐसा कोर्स है पाकिस्तान में, कोई ऐसा कोर्स नज़र नहीं आता, इवन दुनिया में नज़र नहीं आता। तो आप लोग वो खुशकिस्मत लोग हैं कि जो ये सारा कुछ सीखेंगे और एक बहुत छोटी सी फीस में सीख जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अभी आपके साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास है ये, उसके बाद में सबसे पहले आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता चलूँ। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान आकाश, मैं ब्रांच मैनेजर हूँ मुनीर अहमद मुनीर फरानी सिक्योरिटीज, पाकिस्तान का एक फेमस ब्रोकरेज हाउस है। आप लोगों को बताता चलो ब्रोकरेज हाउस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जाकर नहीं ले सकते, और लोगों ने ब्रोकरेज हाउस आगे बनाए, तो उस ब्रोकरेज हाउस की हमारे पास ब्रांच है। सबसे पहले आप अकाउंट ओपन करते हैं किसी भी ब्रोकरेज हाउस के साथ। जैसे ही आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक्सेस दे दी जाती है पीएसएक्स की तरफ से, ब्रोकरेज हाउस लेके दे देता है कि आप शेयर्स किसी भी वक्त ले सकते हैं और किसी वक्त सेल कर सकते हैं। ये शेयर आप अभी लेके 1 मिनट बाद भी सेल कर सकते हैं, 1 महीने बाद भी कर सकते हैं, या चाहें तो सारी जिंदगी नहीं करें, आपके बच्चे भी उनको आके सेल कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा मैकेनिज्म मसला है। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जो हमारी ब्रोकरेज हाउस है, इनके जो ऑनर है मुनीर सलानी साहब, उनका वो ब्रोकर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब कि इस हाउस की गुडविल बहुत अच्छी है। ठीक है जी। उसके बाद जी जैसा कि आप इसी अकेडमी के अंदर मुझसे ट्यूशन ले रहे हैं, राइजिंग बर्ड अकेडमी के नाम से हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो इसके अंदर अकेडमी देते हैं। उसके बाद राइजिंग बर्ड सोल्यूशन हमारी कंपनी भी है, उस कंपनी के अंदर एक तो स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान की, उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट की ब्रांच है हमारे पास। उसके अलावा हम अमेजोन का जो सबसे एडवांस लेवल है, अमेजोन आर्बिट्रेज जो चल रहा है, उसकी क्लासेस देते हैं, टैक्सेशन की देते हैं, और ऐसे कोर्सेज हैं जो ऐसे यूनिक कोर्सेज हैं जिनको करते ही आप लोग अपनी अर्निंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सब कोर्सेज भी अगर कोई इंटरेस्टेड हो बाद में, या आपकी फैमिली मेट हो या आपके किड्स में से कोई हो, तो वो आके हमारी ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हैं। और मैं आप लोगों को इंश्योर करता हूँ कि अगर हमारे किसी भी बीए कोर्सेज की क्वालिटी लो होगी तो आप मुझे मैसेज कर दें, हम लोग आप लोगों की फी रिटर्न करेंगे इंशाल्लाह ताला। और तो हम लोगों का प्रोजेक्ट है भी ऐसे कि हम लोग इंशाल्लाह एक ऐसी क्वालिटी देंगे, जैसा कि मैं खुद भी चाहता हूँ, क्लासेस को मैंने खुद लीड करना स्टार्ट किया, फिर मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे, मेरे सिखाए हुए बच्चे जो कि ऑलरेडी भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी पोजिशन में हैं, आप लोग भी सीख के आए, और आप लोगों को दोबारा कभी सीखने की स्टॉक एक्सचेंजेस को जरूरत ना पड़े। मेरी क्वालिफिकेशन एसीसी है, ठीक है, यूके बेस्ड ये डिग्री है, पूरी दुनिया में मानी जाती है अकाउंटेंसी की। तो एक्सपीरियंस मेरा 8 से भी ज़्यादा साल का है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जब भी सोशल मीडिया के इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अक्सर औकात हम विन कर रहे होते हैं, तो मेरी एक ऐसी ब्रांच है कि जो माशाल्लाह 1 साल में इतना ग्रो कर दी है कि 15 साल में जो पुरानी ब्रांचेज है उनसे भी ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रही होती है। तो क्लाइंटेज बड़ी क्लाइंटेज है हमारी, पूरी दुनिया से हमारे पास क्लाइंट है, दुनिया का कोई कंट्री देखें तो उसी कंट्री से हमारे क्लाइंट्स हैं, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया के जिस कोने से जिस कंट्री से देखें, अमेरिका हो, कतर हो, सऊदीया हो, दुबई हो, हर कंट्री से हमारी फ्रेंचाइज के क्लाइंट है। तो इनशाला आप लोग भी हमारे ही बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी हमें ही बहुत से लोग कहते हैं कि आप जैसा काम हमें कहीं नजर नहीं आता। तो इंशाल्लाह ताला ये तो परेशानी आप छोड़ दें, जो आप सीखेंगे उसके बाद इंशाल्लाह ताला हमें नहीं लगता कि, हमें लगता है कि लॉस करने के लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी सिर्फ डेमो क्लास ही देखेंगे तो आपको ये फील हो जाएगा। इसके बाद हमने अपनी अबाउट कंपनी बताया है, इसमें आप रीड कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, www.munirkhananisecurities.com पे जाएं, ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा, हमारे हाउस ओनर का, हमारी फ्रेंचाइज का, मेरा सब आपको मिलेगा। मेरी नोटिफिकेशन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट ऑफिशियल पे भी पड़ी है, हमारे ब्रोकरेज हाउस की वेबसाइट पे भी पड़ी है, जिधर से आप देखना चाहें आप हमें जाके कर सकते हैं। कुछ सैंपल बेस पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया जो पहले मैं आपको बोल के बता चुका, ठीक है जी। उसके बाद मिशन जो हमारा है, हम लोगों ने सोचा है, मैंने और मेरी टीम ने, हम लोग प्रमोट कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला हाई क्वालिटी ग्रोथ करेंगे थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स, इंशाल्लाह फाइनेंशियल रिफॉर्म्स लेके आएंगे पाकिस्तान के अंदर,
और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के थ्रू इंशाल्लाह ताला हम लोग की कोशिश है कि हम अपने लिए भी काम करें और पाकिस्तान के लिए भी ऐसा काम करें। जैसा कि आप लोगों से रिकॉर्ड्स के बाद बहुत से लोग मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे, स्किल्स को आउटसोर्स करेंगे। जैसे ही हम अपनी कंट्री से बाहर अपने स्किल्स को बेचेंगे तो हमारे पास डॉलर्स आएंगे, पाकिस्तान की भी स्पोर्ट होगी इसके अंदर, ठीक है। तो पूरी दुनिया पड़ी है इस कोर्स को करने के बाद। आप लोग दुनिया की किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। पूरा सेशन लीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आखिरी 1 सेकंड की भी आपने वीडियो नहीं करनी, क्योंकि इसमें एंड पे एक इंडिकेटर आएगा। वो ऐसा इंडिकेटर है कि जो दुनिया की किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के किसी भी शेयर पे लगा लें, या किसी भी करेंसी पे लगा लें, क्रिप्टो मार्केट पे लगा लें, गोल्ड पे लगा लें, आयल पे लगा लें, किसी चीज पे भी आप लगाएं, एक जैसा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, वो सबसे एंड पे आपको नजर आएगा। तो आप लोग इस क्लास का कोई हिस्सा भी मिस नहीं कर सकते। मेरा देखें ज्यादा एफर्ट लगेगी आप लोगों को, आज मैं बहुत आराम आराम से गाइड करूंगा ताकि आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकें। सारी क्लासेस ऐसे हुआ करेंगी, इतनी इजी बर्निंग्स में मैं आप लोगों को क्लास दूंगा, इतने सादा अल्फाज होंगे कि समझने में आप लोगों को दुश्वारी नहीं होगी। जुबान जो स्टॉक एक्सचेंज की है वो भी आप लोगों को सिखाऊंगा, और सादा अल्फाज में सिखाऊंगा ये अल्फाज बोले जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप 3 तरह से काम कर सकते हैं। पहला, आप एज एन इन्वेस्टर काम करें, अपने पैसे लगाएं स्टॉक मार्केट के अंदर और अर्निंग करें। दूसरा, आप 1 रुपया भी ना लगाएं, आप लोग सिर्फ इस कोर्स को सीखें और लोगों को सर्विसेज फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड देना स्टार्ट करें। अपने चार्ट्स बना के लोगों को बताएं, फंडामेंटल रीडिंग्स करके बताएं, या हम लोग जो इंडिकेटर देते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे यूज करके आप सर्विसेज देंगे। आप लोग फेसबुक पे कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग की जितनी साइट्स हैं सब पे आप जाके अपने आप को एडवर्टाइज करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं, जैसा कि अपनी कंपनी के बारे में बताया, राइजिंग बर्ड सॉल्यूशंस है, हमारी वेबसाइट भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं, इंशाल्लाह बड़ी अच्छी आप लोगों को नजर आएगी। तो बहुत ही प्रोफेशनल कोर्सेज भी है हमारे और टीचर्स भी है हमारे, एक से बढ़ के एक। आप लोग जो भी कोर्स सीखने आएंगे, आप लोगों को लगेगा कि ये इन लोगों ने सिर्फ चार्ज नहीं किया, इन लोगों ने हमें सिखा के भी भेजा। हम लाइफ टाइम सपोर्ट देंगे आपको, फाइनेंशियल मार्केट्स के रिलेटेड हो या आप कोई भी कोर्स हमारा लेते हैं, तो हमारे ट्यूटर्स, हमारी नेक नीति इसमें शामिल रहेगी इंशाल्लाह पूरी जिंदगी। लेकिन आप लोगों भी ये फेवर कीजिएगा कि आप लोग भी हमें तंग ना कीजिएगा, मतलब कि वॉइस रिकॉर्ड करें, टेक्स्ट लिख के सेंड करें, छोटी वॉइस रिकॉर्डिंग दें, 5 5 10 10 मिनट की ना दें, 1 2 मिनट में अपना जो मैसेज है वो हमें कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, हम भी 1 2 मिनट में आपको रिप्लाई करें, या हम कोशिश करेंगे कि वो आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 10 दफा पूछें, उन 10 दफा बताएंगे, आपको पूरा गाइड करके छोड़ेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये चलेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, आप लोगों को गाइड करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी जगह है कि जिधर लिस्टेड कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं, इनको पब्लिक कंपनीज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी बताऊंगा। आप फाइनेंस वालों को लग रहा होगा कि सर इधर से जरा जल्दी गुजर जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि सारे फाइनेंस वाले नहीं ये कोर्स ले रहे हैं, बहुत से लोग आईटी से हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, फिर भी वो चार्ज हैं, वो कहते हैं हमने काम करना है, तो उन लोगों को भी सिखाना पर्पज है, तो थोड़ा गाइड करूंगा, काइंडली इसको बेयर करें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऐसी जगह है कि जो लिस्टेड कंपनीज जिधर है ना उनके शेयर ट्रेड होते हैं। क्या आप लोगों को मैं बताता चलूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज बहुत सारी होती हैं, क्या आपको लगता है सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे काम की, जितनी कंपनीज है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कंपनीज अपने आप को रजिस्टर कराती हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ, सिर्फ उनके शेयर ही ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होंडा कार आप लोग रोड्स पे देखते हैं ये रजिस्टर है, टोयोटा कार देखते हैं रजिस्टर, लेकिन आप लोगों को इनके शेयर्स भी ट्रेड हो रहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन अगर दूसरे एंड पे देखें तो हम लोगों को एक यूनाइटेड की कार नजर आती है, तो यूनाइटेड की कार जो है वो यूनाइटेड वाले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड नहीं है, इस वजह से उनके शेयर्स भी ट्रेड नहीं होते। तो इसी तरह और एग्जाम्पल देता हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है ना वो पाकपो है, लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड नहीं है, तो उसके शेयर्स भी ट्रेड नहीं होते। इसी तरह एटीआर मतलब अटक रिफाइनरी है, नेशनल रिफाइनरी है, पाकिस्तान रिफाइनरी है, इन सब के शेयर ट्रेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ लिस्टेड है। तो आप लोगों को एक चीज को समझ आ गई, जैसा कि आप लोग और इजी कर देता हूँ, एक ऑफिस के साथ जॉब करते हैं या बैंक के साथ करते हैं तो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो आप ही इम्प्लॉय बनते हैं। इसी तरह
एक कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है, तो फिर ही उसके शेयर ट्रेड होते हैं। तो ये इजी है, आप लोगों को जैसे ही काम करने आएंगे अभी कोर्स के अंदर पता चल जाएगा वो कौन सी कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके शेयर ट्रेड होते हैं, सारा बताएंगे। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट इसके बाद आती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट ऐसी मार्केट्स हैं, आप लोगों को बताता चलो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलावा आप इधर शेयर ट्रेड नहीं हो रहे होते, आप इधर करेंसीज ट्रेड होती हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग डिफरेंट गोल्ड दे सकते हैं, प्लाटिनियम दे सकते हैं, इसके बाद ऑयल वगैरह, ये सारी दुनिया की एक मार्केट है। ये बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इसके अंदर होती है। लिक्विडिटी का मतलब होता है बाइंग सेलिंग बहुत ज्यादा होती है। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करता हूँ, जो नए हैं, पुरानों को नहीं, नए, सबसे पहले आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से काम करें, इधर से एक्सपीरियंस लेते हुए इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में जाएं। तो आप लोग जैसे ही आएंगे इंशाल्लाह ताला सेंस डेवलप होती जाएगी, तो हमारे इस कोर्स के अंदर आप लोगों को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम करने को तो सीखने को मिलेगा, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे अकाउंट ओपन करना है और कैसे काम करने मिलेगा, दोनों का अकाउंट हमारे पास ओपन हो जाएगा। हमारी अकाउंट्स टीम में आपको गाइड करेगी, हाँ मैं आपको गाइड करूंगा, फिर टीम गाइड करेगी और आप लोगों का अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं जी मिसकंसेप्शन अबाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। तो मिसकंसेप्शन ये है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर देखें ना, तो पूरी पॉपुलेशन का 1% से भी कम लोग काम करते हैं। अगर हम अमेरिका में देखें तो 56% लोग काम करते हैं पॉपुलेशन का। तो देखें कि मतलब ये एक ऐसा बिजनेस और ऐसा बड़ा बिजनेस है कि ये दाकयामत चलेगा। तो इस ये ऐसा बिजनेस नहीं है कभी खत्म हो जाएगा। हाँ आपको अच्छा सीखने की जरूरत है। मैंने देखे जितने लोग अच्छा सीखे वो कामयाब होते हैं स्टॉक एक्सचेंज। मिसकंसेप्शन ये है जी कि मैं मेरी वीडियोस जो अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा व्यूज में चलेगी, तो उसके ऊपर लोग लिख रहे थे कि ये तो जुआ है, इसके अंदर तो बस लगाएंगे पैसे तो खराब हो जाएंगे। क्योंकि हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 80% तो ऐसे लोग हैं जिनकी क्वालिफिकेशन ही कोई नहीं है, वो काम कर रहे हैं 70 to 80%। अब एक अनएजुकेटेड पर्सन दूसरे को बताएगा और वो ऐसे स्टॉक्स ले लेंगे जिधर होना ही नुकसान है, ऐसी कंपनीज ले लेंगे जो पहले ही डिफॉल्ट करने के पास है, तो ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करेंगे तो नुकसान होगा। जब किसी की रहनुमाई नहीं लेंगे, किसी को सुनेंगे नहीं, तो ये चीजें हम इसमें ओवरकम करेंगे। आप लोगों का मेरे इसी डेमो क्लास के बाद लगेगा, स्टॉक एक्सचेंज में तो लॉस करने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ताला अभी थोड़ी देर बाद स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ी देर बाद हम पॉइंट्स पे चले जाएंगे। पर्पस बिहाइंड ऑफ साहिवाल से जो क्लासेस ले रहे हैं इनको मैं बताना चाहता हूँ, ये डिवीजन में एक ही ब्रांच है जो मैं बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। छोटी किसी सिटी के अंदर ब्रांच नहीं है। पहले जब मैंने अकाउंट ओपन कराया था तो कराची या लाहौर जाके अकाउंट ओपन करना पड़ता था, मैंने लाहौर जाके करवाया, तो मुझे भी ये फ्रेंचाइज नहीं मिल रही थी। और कहते थे आप लोगों की सिटी बहुत छोटी है, मुझे पहले मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, पूरी दुनिया से मैंने क्लाइंट्स बनाने शुरू किए। मैंने क्लाइंटेज इतनी बड़ी बना दी कि मेरे ब्रोकरेज हाउस को ये यकीन हो गया कि इस फ्रेंचाइज को चला सकता है, तो उन लोगों ने मुझे फ्रेंचाइज दे दिया। मेरी फ्रेंचाइज एक फेमस फ्रेंचाइजीज में से है, मुझे लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। तो इंशाल्लाह ताला कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, इंसान का जो जेन सोच सकता है वो कर भी सकता है। अब ये जो प्रोजेक्ट आप पहले लोग हैं जो इसको देख रहे हैं, आप देखिएगा, अब मैंने सोचा हुआ है कि इस प्रोजेक्ट को मैंने सबसे पहले अपनी सिटी का, फिर पाकिस्तान का, फिर दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? हमारे पास ऐसा इंडिकेटर है कि जो दुनिया में मुझे नहीं लगता किसी के पास है इन क्वालिटी, तो हम लोग उसको यूज करेंगे, एडवर्टाइज करते हुए निकल जाएंगे। बहुत सारे लोग आमने से हमारे साथ ही बाद में शामिल हो जाएंगे क्लासेस के बाद, तो इंशाल्लाह ताला चीजों को हम अच्छा लेके चलेंगे। ओके जी, आगे चलते हैं जी। पर्पस में उसके बाद है डिफिकल्टी, अगर फिर जैसा कि मैंने बताया 2 साल तो यही मेहनत करता रहा, कुछ और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस की मैंने। ये साहिवाल वालों के लिए स्पेशल मैसेज है कि आप इस फ्रेंचाइज की कदर करें, आप लोगों को मैं देने इंटर्नशिप्स दूंगा, आप लोगों को सिखाऊंगा, साहिवाल से बहुत बड़ी वर्क फोर्स बनाऊंगा, उसके बाद पाकिस्तान से बनाऊंगा, जितने काबिल लोग निकलते जाएंगे उन लोगों को मैं खुद से काम देता रहूंगा, काम खत्म नहीं होने वाला। ये कि इतना बड़ा काम है कि सारी दुनिया भी करती रहे तो खत्म नहीं होगा, तो आप लोग बस रेडी रहें, आप लोग अपनी इनपुट देने के लिए रेडी रहें, तो ये इंशाल्लाह कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसके बाद देखें जी के सबसे पहले हम लोग जिन कंपनीज पे बात करें ना, स्टॉक एक्सचेंज में वर्ड बोला जाता है अब डिविडेंड पेइंग कंपनीज। डिविडेंड का मतलब आसान अल्फाज में क्या है? ऐसी कंपनीज जो आप लोगों को कहती हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लें,
तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि एक सेकंड में सिर्फ ये चेक कर लूं कि रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग हो गया। अच्छा जी, अब डिविडेंड पे कंपनी ऐसी कंपनीज हैं, वो कहती हैं कि आप लोग सिर्फ हमारे शेयर्स ले लें, हमें जो मुनाफा होगा ना हम उसमें से आप लोगों को अपने मुनाफे में से मुनाफा देंगे। ये 15% से लेकर 30% तक है। इवन हमने ऐसा भी देखा कि 100% डिविडेंड भी मिल जाता। लास्ट ईयर में ऐसी कंपनी रही, मैं आप लोगों को बताऊंगा, इस कोर्स में भी सीखने को मिलेगा ये कंपनीज कैसे फाइंड करना है। अभी मैं आप लोगों को पहले एग्जांपल दे रहा हूँ, एंग्रो फर्टिलाइजर। एंग्रो फर्टिलाइजर एक ऐसी कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, इसके शेयर ट्रेड होते हैं, हर वक्त ट्रेड हो रहे होते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें, स्पेशल कोर्स के अंदर ये बुक्स की चीजें नहीं होंगी, सब कुछ लाइव होगा। लाइव सॉफ्टवेयर दिखाई जाएंगे, लाइव कंपनीज के शेयर्स दिखाए जाएंगे, करंट प्राइसेस दिखाई जाएंगी, और आप लोगों को एक्सपेक्टेशंस भी बताई जाएंगी हमारी इनसे क्या है। ठीक है, तो एग्रो फर्टिलाइजर एक लिस्टेड कंपनी है। एग्रो फर्टिलाइजर से आप लोगों को गैस हो गया होगा कि ये खादे बनाने वाली कंपनी, बिल्कुल ये खादे बनाने वाली है। ये भी एक ऐसी कंपनी है कि जो आप लोगों को कहती है कि ठीक है जी हमारे शेयर ले लें, हम लोग आप लोगों को डिविडेंड देंगे। डिविडेंड को फिर एक्सप्लेन करने लगा हूँ, आप लोगों को परेशानी नहीं मेरे साथ होनी चाहिए, आप लोगों को किसी वर्ड का मतलब समझ नहीं आया ना, आपने व्हाट्सएप करके करना है। सबसे अच्छा तरीका ये होता है आप गूगल पे सर्च करें, नहीं समझ आ रही मेरे पास है सर ये इस वर्ड का मतलब, डिविडेंड का मतलब ये है। आसान अल्फाज में कंपनी कहती है हम अपने प्रॉफिट में से आपको प्रॉफिट देंगे, इसको पे आउट भी कहते हैं, अपने जो हम कमाएंगे उसमें से आपको पे करेंगे, आसान अल्फाज। ठीक है जी, अगर हमने इस कंपनी का शेयर लिया होता, हम इन्वेस्टर है, अब इधर देखें, अगर तो आप कहते हैं, सुनने वाला ऐसा है कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे पास 50 लाख है, 1 करोड़ है, या 10 लाख है, या 5 लाख है, या 1 लाख भी है, कहता है कि मैंने ऐसी कंपनी उस्मान भाई लेनी है जिसके अंदर मैं बस एक दफा शेयर ले लूं, दोबारा मैं काम ना करूं, मेरे पड़े रहे, अगर मेरे बच्चों को भी उनकी इनकम जाती रहे, तो कोई ऐसा शेयर सेलेक्ट करते हैं। पहला स्टॉक एग्रो फर्टिलाइजर, अगर हमने ये स्टॉक आज से 5 साल पहले लिया होता ना, 50 रुपए का ये एक शेयर था, ठीक है, तो इस शेयर ने 8 रुपए आपको दिए, 8.5 रुपीज दिए 2017 में, 18 में 11, 19 में 13 रुपीज, 20 में 13 रुपीज, 2021 ऑल टुगेदर ये 63 रुपीज बनते हैं। आप लोगों ने एक शेयर, मतलब अगर 10 लाख रुपए के ये शेयर लिए थे, या 1 लाख बेस रख लेते हैं आसानी के लिए, 1 लाख शेयर लिए थे ना इसके 1 साल पहले, तो आप लोगों का 1 लाख 2 लाख होने से ज्यादा में चेंज हो गया। ठीक है, आप लोग कोई पॉलिसी देख लें, आप लोग किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देख लें, सबसे अच्छा आपको यही नजर आएगा कि यार ये तो हो गया, ये अभी 219%, ये सिर्फ आपके अगर 100% आपके ओरिजिनल कॉस्ट निकाल दें तो 119%, 119% हो गया, लेकिन अभी यही नहीं, ये तो उन लोगों ने अपने प्रॉफिट में से प्रॉफिट दिया आपको। अभी आप लोगों ने जो 50 रुपए का शेयर लिया था, 5 साल बाद वो भी डबल हो गया, 100 रुपए का हो गया। तो मतलब एक तो 100% आपको इधर से मिल गया और 119% आपको उधर से मिला, टोटल कितना मिला, 219%, 290%, आपका 100% अमाउंट अभी बाहर है, आपके पैसे लगे उधर के उधर हैं, 5 साल बाद आपको 219% मिल गया है स्टॉक्स के अंदर। तो मुझे बताएं कि यही करती आ रही है कंपनी और यही ये करती रहेगी, क्योंकि फर्टिलाइजर की कभी हमारी एग्रीकल्चर कंट्री है कभी डिमांड कम नहीं होगी। तो मुझे आप बताएं, अगर किसी इन्वेस्टर ने इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, अब देखें ये समझ आ गई आपको, मिसकंसेप्शन आपकी खत्म होगी इन्वेस्टर की, अगर आप इधर इन्वेस्ट करके बैठ गए तो कैसे नुकसान होगा। एक ऐसी और कंपनी की आपको एग्जाम्पल दूंगा, एक हो गया इन्वेस्टर, दूसरा हो गया अब जो कंसल्टेंट बनेंगे मेरा कोर्स देख के, वो अब आपके पास आते हैं एजेड पीपल या लोग पूछते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी बताएं, उनको आप ये बताएं एग्रो फर्टिलाइजर, और आपको 10 ऐसी कंपनीज बताऊंगा, उनको बता रहे हैं खुद से वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखें अगले सालों के अंदर कौन सी ऐसी कंपनीज बनने जा रही है जो डिविडेंड, जिन लोगों ने मेच्योर हो जाती है ना जब कंपनीज, तो डिविडेंड देना स्टार्ट कर देती है। मेच्योर का मतलब ये होता है कि वो डिजायर लेवल तक चलेगी, उन लोगों का दिल था कि मैं हम इतना ग्रो करें तो फिर लोगों को अपने मुनाफे में से मुनाफा देना स्टार्ट, बहुत सी कंपनीज उधर जब पहुंच जाती हैं तो आप लोगों को डिविडेंड देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, होपफुली वेरी इजी,
परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को ये मिसकंसेप्शन अब मेरे देखने वालों को समझ आ गई कि इधर नुकसान की जगह नहीं, ठीक है। उसके बाद एक कंपनी और जी, फौजी फर्टिलाइजर्स, फिर से फर्टिलाइजर की कंपनी, ये भी ऐसे ही है। अब मैं थोड़ा तेज चल जाऊंगा, इसके अंदर 2017 में 7 रुपए दिए, 18 में 8 रुपए, 19 में 11, इस तरह करके ये 5 सालों में देते हैं। इसकी 5 साल में शेयर प्राइस भी डबल हो गई, 100% तो आपको शेयर प्राइस से मिल गया, 10 लाख लगाया था तो 20 लाख तो उधर ही हो गया 5 साल में। लेकिन उसने 7 साल आपको 48% डिविडेंड भी दिया। अब आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल के डिविडेंड को परेशान होनी चाहिए, डिविडेंड मतलब अपने पैर मुनाफे में से उसने 48% आपको मुनाफा भी दिया 5 साल के अंदर, तो मतलब तकरीबन 150% आपको रिटर्न भी। अच्छा, ज्यादातर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो रिटायर्ड लोग हो जाते हैं ना, वो ऐसे स्टॉक्स में आते हैं, यंग भी आ सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। एजड पीपल ज्यादा इधर इन्वेस्टमेंट करके कहते हैं कि अब हमने जिंदगी में बहुत काम कर लिया, हम काम नहीं करना चाहते, हमें ऐसी कंपनीज बता दो जिधर हम ले लें, तो हाँ हम लोगों को एक रेगुलर इनकम आती रहे, तो वो ये ले लेते हैं। अच्छा, कंपनीज हर क्वार्टर पे डिविडेंड दे रही होती है, ठीक है। तो हर क्वार्टर का, 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर 1 साल के अंदर होता है, 3 महीने बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट जो आपने अटैच कराया होता है ब्रोकरेज है उसके साथ, उसमें डिविडेंड आ जाता है, कुछ नहीं करना कराना होता, तो आप लोगों के पैसे वहीं के वहीं होते हैं और डिविडेंड आपको आ जाता है, ठीक है जी। अब बात करते हैं जिधर थोड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है, कौन सी कंपनीज होती हैं, ग्रोइंग कंपनीज। ग्रोइंग कंपनीज अब जो फाइनेंस वाले हैं या जो कोर्स सीख जाएंगे वो ग्रोइंग कंपनीज हंट करने की कोशिश करेंगे, जैसे हर हम भी डेली बेसिस पे कर रहे होते हैं, हर मिनट हमारी कोशिश होती है हम ग्रोइंग कंपनी को ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज से 2 साल पहले मुगल स्टील्स, जिनके गार्डर आप घर में देखते हैं, उनके प्रोडक्ट स्टील की देखते हैं, तो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट ढूंढी, तो हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को ना जी, इस प्रोडक्ट को हम लोगों ने क्या किया, सॉरी, ये प्रोडक्ट्स हैं जिनके आप देखते हैं, इस शेयर को हम लोगों ने हंट किया। 2-3 कंपनीज की आपको एग्जाम्पल दे दूंगा, उसके बाद हमारी तो ऐसी बहुत सी अनलिमिटेड कॉल्स हैं, ठीक है, जिसको आप देख सकेंगे, आइंदा भी आती रहती है, अभी भी लगी हुई है, ये तो करते ही रहते हैं। आप लोग कैसे हंट करेंगे, ये कोर्स में सब सीखने का मिलेगा, ये सिर्फ एज एन एग्जाम्पल बता, ये आप लोगों को पता है कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सेल करती है माइल्ड स्टील प्रोडक्ट्स, तो स्टील की प्रोडक्ट्स, तो गार्डर हो गया, टीयर हो गया, इस तरह की चीजें करती है, ठीक है। तो अगर इस कंपनी को हम देखें ना, तो इस कंपनी ने 2020, सिर्फ 2 साल पहले इसकी शेयर प्राइस 20 थी, 2022 में इसकी शेयर प्राइस 115 थी, मतलब कि अगर हम इसकी कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब तो शेयर की प्राइस बढ़ जाना, कितनी बढ़ गई, कितना आपके जो पैसे लगाए हुए वो बढ़ गए, कैपिटल आपका बढ़ गया, एप्रिसिएट हो गया, मतलब बढ़ जाना तकरीबन 500%। अगर आप लोगों के पास ये शेयर था ना, और आप लोगों ने ये कंपनी हंट करके स्टॉक लेके ये रख लिया था, हम लोगों ने की थी और कॉल लगाई थी कि ये शेयर बहुत बड़ा बन सकता है, तो 500% रिटर्न इससे आप लोगों को मिला। अब इसमें ये तो मिला ही मिला, इसके साथ 6 रुपए का इन लोगों ने डिविडेंड भी दिया आपको 2 सालों के अंदर, 15% बोनस भी दिया और 16% राइट्स भी दिए, ये ऑल टुगेदर तकरीबन 550-600% मिलता है। दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस बताएगा जिससे आपको ऐसी अर्निंग्स मिल सकती है, नहीं मिल सकती, सबसे अच्छी जगह है। फिर से एक ऐसी कंपनी आपने सिर्फ फंड करनी, हम भी बहुत सी बता रहते हैं, उनको देख के आप जो कोर्स में सिखाएंगे अप्लाई जाके करें और देखें क्या आपको भी लगता है ये कंपनी जो हम बोल रहे हैं वैसा कर सकती है, तो उसमें इन्वेस्ट कर दें, तो ऐसे ही रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है जी। इसे कहते हैं ग्रोइंग कंपनी, ठीक है। इसके अंदर अब रिस्क क्या हो सकता है कि हमने जो ग्रोइंग कंपनी एक फाइंड की वो सही नहीं की, हम लोगों ने उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स के या प्रीवियस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को सही तरह मेजर नहीं किया, ये गलती कर सकते हैं। इसका बेहतर हल ये होता है कि जो आप करें सारी वर्किंग करें, जो कोर्स में सीखेगा बाद में हमसे डिस्कस कर लें, ये चीजें हैं, कंपनी खुद बता रही होती है अपने फाइनेंशियल में, हम आगे कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारे सेल्स कितनी बढ़ जाएंगी, प्रॉफिट कितने, सब वो खुद बता रही होती है, आपने सिर्फ क्या करना। अच्छा, फाइनेंशियल इंग्लिश में भी होती है, उर्दू में भी होती है, दोनों तरह से होती है, मतलब कंपनीज ने भी अब ये कंसीडर कर लिया है कि बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश को नहीं समझ सकते, हम लोग उर्दू में बताएं, तो उर्दू में भी वो आप लोगों को बता रहे, सिंपली पढ़ें, बहुत सारी कंपनीज अब हमारे आंखों से नहीं गुजरती, आप लोगों के शायद वो पास आ जाए, आप उसको रीड करें और कहें उस्मान भाई हमें अच्छे लग रहे हैं, हमें लग रहा है स्टॉक्स को ले लेंगे, क्लाइंट्स को गाइड करके उनसे पैसे चार्ज करेंगे कि ये कंपनी तो बहुत बड़ा ग्रो कर सकती है।
तो ये हो गया आप लोगों के ग्रोइंग स्टेज। एक आप लोगों के इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के पास अब ये जो काम करते हैं ये यंग लोग करते हैं। अब एक बंदा ऐसा आ सकता है आपके पास जो आपको कहे कि मैं दो तरह से काम करना चाहता हूँ, 50% मेरे पैसों का लगा दो डिविडेंड बेस्ड कंपनी में, 50% के ऐसे शेयर्स लो जो ग्रोइंग कंपनीज हो। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली डिविडेंड वाली तो फिक्स कंपनीज होगी वो बता दें, साथ में आपने अपनी हंट करके और हम लोगों की स्पोर्ट से भी आपको पता चल रही होगी वो उनको बता दें, सिंपली गाइड कर दें। या एक बंदा खुद से इन्वेस्टर वो कहता है मैं ही ये करता हूँ, तो ठीक है वो इन्वेस्ट करे 50%, 50% की ग्रोइंग कंपनीज देख रखे अपनी जितनी अमाउंट लगाई है। तो इस तरह से रिस्क भी डिवर्सिफाई हो जाएगा, लॉस होने के अभी तक भी कोई चांसेस मेरी नजर नहीं आते, ये जानबूझ के मैं बोल रहा हूँ। ताकि कैसे कि आपने ग्रोइंग कंपनी हंड करने में गलती कर दी, रिसेंट लास्ट में एग्जाम्पल दी थी कि मतलब अगर लोड शेडिंग खत्म हो रही है तो आपने बैटरीज के शेयर्स को बेच लिया है भले उनका रिजल्ट उस दफा अच्छा है, अगर लोड शेडिंग आने लगी है तो बैटरीज के शेयर्स को आपने लेने हैं, क्यों उनके बैटरीज बिकेंगे उनकी सेल्स बढ़ेंगे तो उनके प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। ठीक है ये एक एग्जाम्पल है और भी बहुत सारी आपको दूंगा इंशाल्लाह कोर्स के अंदर। इसके बाद हम लोगों ने एक ग्रोइंग कंपनी ये डेक्सन भी की थी, ठीक है ये हाइड्रोजन प्रोक्साइड एंड अलाइड प्रोडक्ट्स में डील करती है, केमिकल्स को डील करती है। इस कंपनी में भी 2 साल में 236% आप लोगों को रिटर्न दिया, 4 रुपए का डिविडेंड भी दिया, 16% बोनस भी दिया, तकरीबन 250-300% बन जाता है। तो 2 साल के अंदर 250-300% कुछ नहीं किया, एक दफा शेयर्स डियर सोए रहे या किसी को गाइड करके 2 साल के अंदर उसका 300% में से अगर उसने आपके साथ 30-70 भी डिसाइड किया हुआ तो देखें 30% आपको मिल गया तो कितनी बड़ी अमाउंट बन जाएगी जो कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो ये परेशानी नहीं है हमारे पास ही, यकीन करें बहुत से आए दिन मुझसे लोग पूछ रहे थे सर काइंडली हमारा पोर्टफोलियो मैनेज कर दें, टीम नहीं है हमारे पास, पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में ढूंढे तो लोग नहीं मिलते काम करने वाले, कोई करके नहीं राजी, कोई स्टॉक मार्केट्स को सही तरह अहमियत दे के नहीं राजी। इंशाल्लाह ताला अब हम लोगों ने ये एजेंडा उठाया है तो इंशाल्लाह ताला इसको पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे, हम लोग ही इंशाल्लाह इस पोजीशन में आकर लोगों को इनिशियली काम दे सकते हैं। आप लोग हमें प्रूफ करके दे दें, जो लोग हमसे पूछेंगे हम आपको रिकमेंड कर देंगे, ठीक है जी ये बंदे को अच्छा काम करना आ गया इसको आप अपना अकाउंट दे दें और जो प्रॉफिट ये करके दे उसमें से कुछ परसेंटेज इसको दे दीजिएगा, यही मार्केट का रूल है, यही दुनिया का रूल है और इसी को आप लोग फॉलो करेंगे। आप लोग इधर से हमारी जब कोर्स कर लेंगे आपको हमारी हेल्प आप कहेंगे लेनी नहीं, आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगी कि दुनिया में स्टॉक मार्केट तो इतना बड़ा काम है कि हमें इजीली अकाउंट्स मिल जाएंगे मैनेजमेंट करने के लिए, तो वो कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा इन चीजों के बाद मजीद ये भी है कि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस बिल्कुल आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो कहते हैं वो भी मेरी तरह वही कहते हैं बस अपने आप को साबित कर दो कि आप काबिल बच्चे हो, तो साबित उनको कर दो वो आप लोगों को रियल मनी पे अकाउंट दे देंगे, 30% कहेंगे आपका 70% हमारा ये ले पैसे करेंगे, वो क्या करेंगे दो टेस्ट आपसे लेंगे ऑनलाइन ही, दो टेस्ट को आप पास करेंगे इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद आप इस काबिल हो जाएंगे, वो टेस्ट पास कर लिया करेंगे लाइव मार्केट्स पे वो होते हैं, उसके बाद आपको रियल मनी दे देते हैं और आपको घर बैठे इनकम आ जाती है। अच्छा उसके बाद अब कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मिड टर्म भी नहीं करते, वो कहते नहीं डेली बेस पे हम प्रॉफिट करेंगे या नुकसान करेंगे, फिर मार्केट को देखने के लिए या एक शेयर को देखने के लिए दो दो तरीके होते हैं दो मेनली जो देखे जाते हैं, एक फंडामेंटल होते हैं जिसको कंपनी के अकाउंट्स कहा जाता है जो कि मैं जिक्र करता आ रहा हूँ, उसके बाद दूसरा होते हैं चार्ट्स, ये जैसा कि चार्ट्स नजर आ रहे हैं स्पेसिफिक ट्रेड करते हैं डे ट्रेड करते हैं, ये सारा कुछ आपको इस कोर्स में सीखने को मिलेगा कैसे हम इन लाइंस की मदद से प्रिडिक्ट करते हैं कहाँ से शेयर चलेगा और कहाँ जाके हमें सेल कर देना चाहिए। तो इस पे 1 घंटे की ट्रांजेक्शन भी हो सकती है, 1 दिन की भी हो सकती है, इवन के 30 मिनट की 1 मिनट की ट्रांजेक्शन भी लोग कर रहे होते हैं, तो ये सारा कुछ ना आप लोगों को सीखने को मिलेगा इसके अंदर, ड्राइंग कैसे करनी है, ये दो स्पेशल इंडिकेटर हैं फंडामेंटल एंड टेक्निकल्स। अच्छा अब जो सुनते आ रहे हैं लोगों को लगेगा कि बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, कैसे हम फिर पाकिस्तान की न्यूज को भी देखना पड़ेगा, दुनिया की मार्केट में काम करने जाएंगे तो हमें दुनिया की मार्केट के न्यूज़ को भी देखना पड़ेगा, ठीक है उसके बाद हम लोगों ने ना इन परेशानियों को खत्म करने के लिए उसके बाद ये कोर्स लॉन्च किया, हम लोगों ने एक ऐसा इंडिकेटर बना लिया जो हमें लगता है दुनिया का बेहतरीन इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर के अंदर आप लोगों को ना कोई कंपनी का अकाउंट जाके रीड करने ना कोई टेक्निकल एनालिसिस करने की जरूरत है,
आप लोगों के पास जो इंडिकेटर की एक्सेस आ जाएगी, ऐसी स्क्रीन आपके सामने होगी, उस पे बाय लिखा जाए तो आप बाय कर लिया करेंगे, सेल लिखा जाए तो सेल कर लेंगे। लेकिन इस इंडिकेटर का एक जुलम है, इसमें यह है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में है ना ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि ये वेबसाइट ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को अभी इतना माना ही नहीं है, कहते नहीं। हालांकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज टॉप 10 मार्केट्स में आती है, लेकिन फिर भी वो भी हमें इंक्लूड करने में रेडी नहीं है, कहते नहीं आप लोगों के तो लोग ही नजर नहीं आते इंटरेस्टेड, तो हम लोगों आप लोगों का वजह से वो मतलब लोगों का विजिटिंग हमारी वेबसाइट बहुत कम होती है, तो हम लोग क्यों आप लोगों के शेयर्स को डाल के अपनी वेबसाइट पे इतना डाटा को मैनेज करें। ठीक है, आप लोग जब आ जाएंगे हमारे पाकिस्तान से 5 से 10% लोग काम करने लग जाएंगे, हालांकि अमेरिका में 56% करते हैं, तो ये लोग हमारे शेयर्स को फिर उठा के ले आएंगे। हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स को प्रिडिक्ट करने के लिए हमें फंडामेंटल रीड करने पड़ेंगे, चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, बहुत ईजी में सीख जाएंगे, मसले की बात नहीं है। 1 महीने बाद आप किसी और शेयर में ही होंगे, आपको लगेगा कि हम लोगों को ये काम आता है और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप कर सकते हैं। ये जो इंडिकेटर है, ये अमेरिका की मार्केट हो, ऑस्ट्रेलिया की मार्केट हो, यूएई की हो, सऊदीया की हो, मतलब जो जो मार्केट ट्रेडिंग व्यू एक साइट है उसके ऊपर आ रही होती है, टेक्निकल एनालिसिस की बहुत फेमस साइट है उसके ऊपर आ रही होती है। तो जो जो मतलब है ना इसके मार्केट्स उस पर आती है, क्रिप्टो की मार्केट है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, गोल्ड है, सिल्वर है, सब पे अप्लाई करनी चाहिए। अभी ये रिसेंटली आपके सामने क्रूड ऑयल पे लगाया हुआ है, अगर इसी आपके पास इंडिकेटर होता आप 70 पे बाय करते हो, 92 पे सेल कर देते, तो बिलीव करें ये आपके अकाउंट डबल हो जाते हैं विद इन मंथ्स। ये तकरीबन 2022 में जैन में इसने अप्लाई कराया, मतलब कि सिर्फ 6 महीनों के अंदर आप लोगों के पैसे इसमें डबल होते नजर आते हैं। किया क्या आपने, सिर्फ एक दफा बाय किया 6 महीने पहले, और 6 महीने बाद जब सेल आया तो आपने सेल कर, इतना आसान है ये काम, इतना आसान हमने आप लोगों को ये चीजों कर दी। बस आप लोगों की एक डेडिकेशन चाहिए, मोटिवेट चाहिए। लोग आते जाते हैं फिर 2 दिन बाद भूल जाते हैं, तो हम लोग तो खैर मेहनत में लग गए, हम लोगों को आप लोगों को बार बार बताएंगे आ जाए आ जाए, जो आते जाएंगे वो अपने साथ नेकी करते जाएंगे और सीखते जाएंगे और अर्न करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसी को मैंने लगाया दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट पे, फिर से बाय आए तो बाय, सेल आए तो सेल। आप दुनिया की किसी भी मार्केट बड़ी पे लगा लें, इंडेक्स पे लगा लें, किसी चीज पे लगा लें, एक जैसा रिजल्ट। तो उसके बाद आगे जाए तो बिटकॉइन है, अगर आपके पास हमारा इंडिकेटर होता तो इसने 8,000 पे बाय कराया, 43,000 पे बाय सेल कराया। अगर हम आपके पास होता तो 43 में से 8 निकला तो कितना बना, तकरीबन $35,000 आप अर्न कर सकते थे। एक दफा आपने लिया था 2021 में तकरीबन, और 2022 में आके आपने एक साल में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन आपको करनी पड़ी। ये सब आपको सीखने को मिलेगा, कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है इंशाल्लाह ताला। तो फर्दर मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया, कोर्सेज हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खुद लीड करूंगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट को खुद लीड करूंगा, बहुत अरसे तक खुद करता रहूंगा, जब तक मुझे नहीं लग जाएगा कि मैंने इतने काबिल बच्चे डेवलप कर लिए हैं जो अब मेरी जगह लोगों को क्वालिटी सर्विसेज दे सकेंगे। आप लोग इंशाल्लाह सबसे पहले ये बैचेस जा रहे हैं ऑनलाइन के, आप लोग मुझसे ही सीखेंगे, एक साल तक शायद मैं खुद ही सिखाता रहूंगा, उसके बाद रिप्लेस करेंगे मुझे हमारे टीचर्स आकर, वो आप ही हो सकते हैं, आप लोग साबित कर दें, हम लोग आपको काम दे देंगे। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, अमेजोन एफपीए, एडवांस लेवल आर्बिट्रेज जो आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, वो टैक्स कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योरशिप का भी हम कराते हैं। हम लोगों की टैक्स फर्म भी अब बहुत फेमस टैक्स फर्म है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी को भी डील करती है। मैं टैक्स फर्म को भी एज अ सीईओ देखता हूँ, तो हमें टैक्स का भी पता है, हम किसी ने अगर बिजनेस स्टार्ट करना है स्टॉक एक्सचेंज के अलावा तो वो भी हमें पता है कि किस बिजनेस के लिए क्या चीजें करनी होती है, किन्होंने कंपनी रजिस्टर करानी है, किन्होंने फर्म रजिस्टर करानी है, किन को ये जरूरत है ट्रेडमार्क कराएं, सेल टैक्स कैसे होगा, इनकम टैक्स कैसे होगा, वो इंडिविजुअल हो या कंपनी का, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह हमें आता है। तो ये चीजें तो सारी हो गई, मैंने आप लोगों को गाइड कर दिया। इसके बाद अब आप लोगों की तरफ है कोई क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे बता दें, मैं आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो मेरा नंबर है, मैंने फिर रिपीट करा, 03457427922 मेरा नंबर है। आप लोगों ने जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे से पूछेंगे, उनका मैं ग्रुप बनाता जाऊंगा, जो इंडिविजुअल होंगे जैसे वो कोर्स में आएंगे ग्रुप्स में आते जाएंगे, और ग्रुप्स में आप लोग आपस में डिस्कशन कीजिएगा, मेल्स का एक होगा एक फीमेल्स का, सेपरेट सेपरेट ग्रुप्स होगा,
आप लोग आपस में भी जो सीखते जाए एक दूसरे से करें, आप लोगों को जरूरत पड़े मुझसे पूछने की, मैं अभी आपको गाइड कर रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन हो आप ऐसे पूछें। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का आपने ये डेमो क्लास की, थैंक यू सो मच। ये सब कुछ आपको कोर्स में सीखने को मिलेगा, अपनी इनरोलमेंट्स कराते जाए और हमारी एडमिन को बताते जाए, ठीक है। इवन के मेरा नंबर भी एडमिन के पास चल रहा होता है, तो आप इसी नंबर पर सारा कुछ एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो करके बता दीजिएगा, आप लोगों को ग्रुप्स में भी ऐड करते जाएंगे और कोर्स में आप लोग कंप्लीटली ले सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।